अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ चाइनीज़ राइस की रेसिपी। उसके लिए मैं आपको पहले इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। मैं यहाँ पे 1 किलो चावल यूज़ कर रही हूँ, एक बंद गोभी का फूल, आधा किलो गाजर, आधा किलो मटर, एक पाव बोनलेस चिकन, 2 शिमला मिर्च, 10 अदद हरी मिर्च, 1 टेबलस्पून चाइनीज़ नमक, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून नमक एंड 1 टेबलस्पून काली मिर्च। 2 मीडियम साइज़ की प्याज, 5 अदद अंडे और 4 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल। पतीले में सबसे पहले मैं कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी। इसके नीचे मैंने हाई फ्लेम ऑन कर दी है। चावलों को मैंने आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया है। कुकिंग ऑयल गर्म होने के साथ ही मैं इसके अंदर प्याज ऐड कर दूंगी और पहले हम प्याज को फ्राई कर लेंगे। इसका कलर हमने डार्क बिल्कुल नहीं करना। मैंने इसका कलर लाइट ब्राउन कर लिया है। अब मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूंगी। साथ ही इसके अंदर हरी मिर्च, काली मिर्च, नमक, मटर, गाजर और साथ ही इसके अंदर शिमला मिर्च ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। और आधी प्याली पानी ऐड करके इसके अंदर इसको पकने के लिए रख दूँगी मैं कवर करके। इसके साथ ही हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। और इसे अच्छे से मिक्सअप करके इसे कवर करके रख देंगे। मैंने अंडों को भी बॉयल होने के लिए रख दिया है। 10 मिनट के लिए मैंने मीडियम फ्लेम पे इसे पकने के लिए रख दिया था। ये तैयार है। मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूंगी। 4 प्याली चावलों की थी तो हम इसके अंदर 7 प्याली पानी ऐड करेंगे। साथ ही मैं इसके अंदर चाइनीज नमक ऐड करूंगी। इसे मिक्स करके हम इसको टेस्ट कर लेंगे। अगर इसके अंदर नमक कम है तो हम इसके अंदर और नमक ऐड कर देंगे। हाई फ्लेम पे मैंने पानी ऐड करने के बाद इसे कवर करके रख दिया था। अब मैं इसके अंदर बंद गोभी ऐड कर दूंगी। और साथ ही इसे मिक्स कर लूंगी। बंद गोभी ऐड करने के बाद मैंने इसे थोड़ी देर के लिए कवर किया था। इसका पानी पकना शुरू हो गया। अब मैं इसके अंदर राइस ऐड कर दूंगी। राइस मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अच्छे से मैं इसे मिक्स कर लूंगी। इसके नीचे अब हमने हाई फ्लेम ही रखनी है, लो नहीं करनी, और इसे कवर करके रख दूंगी। चावल ऐड करने के बाद मैंने 7 मिनट हो गए हैं मुझे इसे रखे हुए। ये दम पे रखने के लिए तैयार है।
अब मैं इसके अंदर अंडे ऐड कर दूंगी। अंडे को मैंने बॉईल कर लिया था और छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, और इसे अच्छे से मिक्स करके अब हम ढक्कन पे रुमाल लगा के अंडे मैंने इसमें अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। पतीले के नीचे मैंने तवा रख दिया है और फ्लेम मैंने इसकी लो कर दिया है, और ढक्कन पे रुमाल लगा के 20 मिनट के लिए अब मैं इसे दम पे लगा दूंगी। 20 मिनट के बाद ये बनके तैयार हैं। इसके नीचे मैंने फ्लेम बंद कर दी है, ये देखें। अब हम इसे निकाल लेंगे अलग से प्लेट में। चाइनीज़ राइस की रेसिपी बनके तैयार है। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है, आप इसे ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।